करते हैं कि बेहद ही अच्छे होंगे आज के इस नए सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ए रहा मॉर्निंग का टाइम और टाइम को समथिंग हो रही है सात बज चुके हैं तो अब अपने अपना काम सब लोग अब स्टार्ट कर दिए दे, देते हैं मॉर्निंग की शुरुआत देखते हैं किससे होती है तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा स्किप मत करिएगा बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो है तो अब ना मम्मी छाछ बना रही हैं और मैं भी अपना कुछ काम स्टार्ट करती हूँ और लोग ना चारा की पेराई कर रही हैं पापा और दोनों पापा और भाई ना चारा की पेराई कर रहे हैं हमारे यहाँ इतना ज्यादा चारा की पेराई करना पड़ता है मशीन से कि हद से ज्यादा दो दो भैंस हैं और बैल भी हैं तो बहुत ही ज्यादा चारा की पेराई करनी पड़ती है अब चारा की पेराई पापा लोग कर डाले हैं तो मम्मी तो आज लग पड़ी है आंगन की लिपाई पुताई करने में सुबह सुबह और इतनी टाइम टाइम को समथिंग हो रही है साढ़े सात बज चुके हैं तो अब धूप तो निकल ही आती है बहुत जल्दी धूप निकल आ है और पापा लोग पानी भी जल्दी सुबह सुबह ही हमारे यहां पानी भर देते हैं तो काम करने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है तो लिपाई करने में मम्मी अब लग गई है मैं कुछ दूसरा काम कर रही थी तो मम्मी बोली कि लिपाई मैं कर लूंगी बहुत ही अच्छे से तुम दूसरा काम करो तो लिपाई करना अब स्टार्ट ही कर दी है मिट्टी और गोबर मिक्स कर ली है और और तो कर चुकी हैं थोड़ा सा और बचा हुआ है बहुत बड़ा आंगन है जब दो लोग करते हैं ना कुछ भी काम करो दो लोग मिल करो तो बहुत जल्दी होता है और अच्छा भी लगता है थकान भी नहीं लगती नहीं एक लोग करो ना आंगन की लिपाई तो पूरा हाथ में इतना ज्यादा दर्द होने लगता है तो मम्मी तो आज अकेली ही कर रही है देखते हैं कि क्या होगा मम्मी के साथ अब आंगन की लिपाई पुताई बहुत बहुत अच्छे से हो गई है अब बहुत ही अच्छा लगने लगा एक छोटा वाला आंगन अभी बचा हुआ है देखते हैं इसका कल तक करेंगे मैं आ गई हूँ ब्रश करने ब्रश कर लेती हूँ हमारे मुँह में पता नहीं क्या हो गया ऊपर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है इसलिए बहुत धीमो धीमो बोल रही है ब्रश हो गया मैं घर आ रही थी वो भैंसी लोगों को ना इतनी टाइम आराम कर रही है खाना खा के धूप भी बहुत खिली खिली सी निकली हुई है सुबह सुबह ठंड लगता है इतनी टाइम आराम कर रही हैं और हमारा पाड़ू बिल्कुल एकदम खाने में बिजी है ऐसे कुरुम कुरुम खाता है चारा हरा भरा सला देखा मॉर्निंग का सारा काम कंप्लीट करके अब खाना पीना खा के ना आ गए हैं खलिहान साइड डेहरा में लेप लगाने बहुत फूटा फूटा है तो ज्यादा नहीं जहाँ जहाँ फूटा फूटा है वहीं पे ही लेप लगा देंगे मिट्टी का कले वाली मिट्टी बची हुई थी तो उतनी तो में बहुत ही अच्छे से हो जाएगा तो मम्मी बोली मम्मी स्टार्ट ही कर दी है बोले जल्दी से लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा पोताई कर देंगे तो और ऊपर लकड़ी रखी हुई तो उधर तो छपाई नहीं करेंगे एक भी नहीं फूटा है ऊपर नीचे नीचे लगा देंगे चलिए दिखाते हैं क्या कैसे आज कर रही हैं बहुत बड़ा ढेरा उठा है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा छोटी दिवाली के मौके पर ना इसको बनाई थी मम्मी ये अच्छा है और ये वाला बना देंगे तो वो भी अच्छा हो जाएगा तो मैं पानी टप में ले आई हूँ और बाल्टी में डाल देते हैं माटी भी बहुत अच्छे से ला ली है एक तकारी अंदर से अभी और है अंदर जैसे लटकी जाएगी वैसे लाते रहेंगे पानी की सिंचाई कर कर की मिट्टी का लेप लगाएंगे इतनी ज़्यादा चींटी है कि परेशान की है हमें मिट्टी का लेप लगाना हम और मम्मी दोनों लोग अब स्टार्ट ही कर दिए हैं एक खलिहान साइड आज कर रहे हैं मिट्टी का लेप लगा रहे हैं नहीं लगाई थी इधर ना थी एक भी अच्छा नहीं लग रहा था जहाँ पास पोताई ना करो लिपाई ना करो तो एक भी अच्छा नहीं लगता है डेली का डेली पापा लोग भी टोंक देते थे कि इधर लेप लगा दो खलिहान साइड एक भी अच्छा नहीं लगता इंसान का यहाँ तो आना जाना बना रहता है तो मैं आज जल्दी से कल की मिट्टी बची हुई थी तो लगा उतने में हो जाएगा चाहे मैं अब खेतों से मिट्टी नहीं लाऊंगी चाहे हो चीना हो आ, अब तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मम्मी बोली कि आज से लास्ट कर देंगे चाहे कुछ भी हो जाए आज की बात मिट्टी का लेप नहीं लगाऊंगी अब बहुत थक चुके हैं दिवाली के पहले बहुत दिनों से आज पंद्रह दिन से मिट्टी का लेप लगाते लगाते हाथ में ना गज नहीं है गज रह जाए इतना ज़्यादा हाथ दर्द कर रहा है तो मम्मी को बोली हमें बहुत ज़्यादा हंसी भी आ गई मम्मी आप आप तो इतना ज़्यादा मिट्टी का घर बनवाएंगे तो मिट्टी का लेप तो लगाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए और हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है मिट्टी का लेप लगाने में मम्मी का विचार ही ना पेट दर्द करने लगता है इसीलिए बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगती है मम्मी और मैं लगा रही हूँ मम्मी और हम दोनों लोग लगा लेंगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा और ढेरौटा तो बहुत बड़ा है ऊपर लकड़ी रखी हुई है तो उधर नहीं ए नहीं खनेर टाइप का है तो उधर नहीं लगाएंगे नीचे नीचे लगा देंगे तो पोताई करते एक नंबर का बनने लगेगा आज कर देंगे इसका लेप लगा देंगे कल इसकी पोताई कर देंगे आज धूप तो निकली ही हुई है सूख जाएगा बहुत ही अच्छे से इधर बकरी का बच्चा तो मस्ती कर ही रहा है छपाई भी कर देंगे तब भी लग रहा है किसी में ना दीवार में भी फूटा हुआ था लगा वहीं पास भी लेप लगा देते हैं निपोताई करते नहीं बनेगा तो लगा दिए हैं मम्मी ऐसे कोर बना बना के बनाती हैं मिट्टी थोड़ा थोड़ा सा ले लेके ना ऐसे बनाती है हमसे इतना अच्छा अच्छा नहीं बन हो गया मम्मी से सीख लेंगे तो सब बनने लगेगा बस झटपट से बना लेते हैं आज मम्मी बोलती है कि कुछ बना लेना दाल पराठा के लिए बोल रही हैं तो अब मैं झटपट से मिट्टी का लेप लगा लेती हूँ अब थोड़ा सा और बचा है तो लगा लेंगे तो जल्दी लग जा आज मैं बनाने वाली हूँ दाल परेठा तो बस उसकी अब तैयारी रेडी रेडी करेंगे तो बस आज हम सब्जी किसकी बनाएंगे रुईया की सब्जी बनाएंगे कांदा की सब्जी ला लिए हैं खेतों से खोद के ला लिए हैं अभी तो पूरा पूरा नहीं खुद रही है इतना सारा ला काफी हो जाएगा अब मम्मी चूल्हे में आग लगा रही हैं अब चलिए अब बनाती है बहुत ही अच्छा परा बनाने के लिए ना पानी गरम करने के लिए रख दिए हैं चूल्हे में और उबाल भी बहुत ही अच्छे से आ चुका है बहुत ही अच्छे से पानी बलकने लगा है तो अब डाल देते हैं चने की दाल तो लाल ये है चने की दाल बहुत खिली खिली सी दाल है सर्दियों में ना ये सब बनाने को बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत टेस्टी और हेल्दी भी होता है तो अब चलिए इसे डाल देते हैं अब डाल दिए हैं और बलक बलक के बहुत अच्छे से पक जाएगी आग बार देते हैं ना तो जल्दी पक भी जाती है सर्दियाँ आ गई हैं ना तो बहुत ही अच्छा अच्छा रेसिपी बनाने को अच्छा। तो हमारे यहाँ ना काना की सब्जी रुईया की सब्जी और दाल पराठा सब लोग बहुत पसंद करते हैं हाँ, तो मैं रुईया अब काटना शुरू कर दिए हैं अब इसका छिलका उतार लेते हैं ये है काना इतनी बड़े बड़े काना है खेतों में तो ला ली हैं खेतों से अब इसका छिलका उतार के काट लेते हैं आप लोगों को इसकी सब्जी पसंद है नहीं वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा कि इसकी सब्ज़ी मैं कैसे बनाऊंगी आप लोगों को दिखाएंगे कि बहुत अच्छा बनाऊंगी इसका छिलका उतारने में काफ़ी टाइम लग जाता है जो काट रहे हैं इसको काट देते हैं जो छिलका उतारे हुए तो इसको भी क्वीन ही करना पड़ेगा मोटे मोटे कुछ चीरेंगे नहीं पतला चीरेंगे तो फिर बनाने में घुल जाता है कुछ मोटे मोटे चीर देंगे मैं सब्जी काटने लगी थी तो इधर दाल पक गई है अब दाल को ना टोकनी में छान दिए हैं जो भी इसका पानी होगा इसका पानी बहुत ही अच्छे से मैं रखूंगी इसे मसाला में लिए हैं मिर्ची लहसुन और अजमाइन जीरा और ए मसाला धनिया पाउडर है इसको पीस लेंगे तभी इसको मिक्स कर लेंगे फिर अब सिलपटे भी पीसेंगे लाइट नहीं है तो मिक्स कर सिलबट्टी में नमक पीस डाले हैं अब मिक्स कर देंगे दाल में थाली में दाल रख लिए हैं टोकनी में रखी हुई था, थाली में अब रख लिए हैं पूरा नॉन मिक्स कर लेंगे और हल्दी भी मिक्स कर लेंगे तभी सिलबट्टी में पीसते बनेगा अभी तक लाइट नहीं आई है मम्मी पहले भी, भी बोली थी कि मिक्सर में पीस के मत बनाना दाल परीठा मिक्सर का हमें अच्छा नहीं लगता सिलबटी में पीस देना तो देखते हैं लाइट तो अभी तक नहीं आई है तो सिलबट्टी में ही हमें पीसना पड़ेगा तो पीस लिए सिलवटे का भी ना बहुत ही अच्छा लगता है मम्मी लोग देसी तरीके से खाना बनाती है तो हमें बहुत ही पसंद लगता है तो पीस लेते हैं और मेहनत तो लगती है बट सिलबे ही सिलवटे में पूरा दाल को पीसे और हाथ में बहुत दर्द होने लगा लाइट तो अभी भी नहीं आई है मम्मी बोल ही रही थी भगवान जो लाइट ना आती तो ये सिलबट्टे में ही पीसेगी नहीं तो मिक्सर में पीसने लगेगी तो अच्छा नहीं लगता है। तो अब पीस चुके हैं और गंजा में भर के रख दिए हैं अब मैं सब्जी बनाने लगी अः कांदा रु किसी सब्जी चूल्हे में ही बना रहे हैं गैस में नहीं चूल्हे का बहुत ही अच्छा लगता है तो आप बुन देते हैं जब तक चिट्ठी नहीं आएगी तो इसको बुनते रहेंगे इधर लाइट तो आ गई तो मसाला पीस के ला लिए हैं अब पूरा सब्जी में डालने के लिए चिट्ठी भी बहुत ही अच्छे से आ गई है सब्जी में अब डाल देते हैं मसाला छा उतरता है जब डालते हैं मसाला तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है डाल दिए हैं मिक्स कर देंगे और ग्रेवी वाली हमें सब्जी बनाना है जी बहुत मसाला डाल के ना बुन चुके हैं अब डाल देते हैं दाल वाला पानी दाल वाला पानी बहुत ही अच्छा रहता है सब्जी बनाती हूँ जब पराठा कहीं बनाते हैं दाल का पानी मैं रख लेती हूँ मम्मी लोग बताई हैं कि जब कभी परेठा बनाना दाल का पानी रख लेना बहुत ही अच्छा उसमें टेस्ट आता है पानी डाल दो तो सब्जी बन गई है अब मम्मी परैठा बनाना शुरू कर दी हैं मैं चली गई थी कुछ बाहर काम करनी मम्मी बोली मैं बना लूँगी परीठा जाके कर दो मैं नहीं कर पाऊँगी तो मैं चली गई थी तो मम्मी अकेली ही बोली मैं अकेले बना लूँगी हमारे यहाँ दाल परेठा ना बहुत बड़े बड़े से टाइप से बनता है इसी तरह सब लोग पसंद भी करते हैं और इतना अच्छा करारा करारा सब बन बन के तैयार हो जाता है और भगौना में रखती जाती हैं दाल पराठा पूरा रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई इधर मैं कुछ दूसरा काम करने चली गई थी इसलिए नहीं नहीं कर पाई हूँ सो so गायज पूरा दाल पराठा बनके तैयार है बहुत ही अच्छे से करारा करारा सब बन गया है तो मैं मेरे को बहुत तेज़ी से भूख लगी है तो थाली में सर्व कर लिए सब्जी रोटी प्याज काट लेते हैं आइए आप लोग भी खा लीजिए दाल पराठा आप लोगों लोग को कैसा लगा अब मैं खाती हूँ बहुत ही अच्छा बना बन गया है तो अब मैं शुरू करती हूँ आइए आप लोग भी खा लीजिए बहुत टेस्टी बना हुआ है सब्जी कांदा की बन गई है और पराठा तो आप शुरू करते हैं खाना अब मैं ना यही कुछ बातों ही बातों में मैं अपनी वीडियो को इंड करने जा रही हूँ होप करती हूँ कि आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिए नए हेंगू तो सब्सक्राइब करिए शेयर करिए कमेंट करिए ताकि मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा अच्छा ब्लॉग लेके आ सकूँ तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बब बाय टेक केयर रखिए अपना ख्याल